चमकौर साहब की टीम बिजी, मैं जल्दी आ जाओ। चमकौर साहब की टीम और सबरा दशमेश कबड्डी क्लब नकोदर की टीम है जी, वो पहला सैमीफाइनल मैच के मैच जित के फाइनल दे विच पहुंच चुकी है। बाबा सुखचैन दास कबड्डी क्लब शाहकोट की टीम को बेनती है, वो टीम के खिलाड़ी भी ग्राउंड पहुंच चुके हैं। आज के दिन का दूजा सैमीफाइनल मैच भी बहुत तकड़ा खेडा जाना है। एक पासे टीम होगी नानकसर कबड्डी क्लब गुरदासपुर की और दूजे पासे जो टीम है बाबा सुखचैन दास कबड्डी क्लब शाहकोट। दोनों टीमों के दरमियान आज के दिन का दूजा सैमीफाइनल मैच खेडा जा रहा है। दर्शक वीर आनंद मान रहे ने और इन दो मैचों तो बाद एक सैमीफाइनल एक फाइनल तो बाद भुपिंदर गिल मेरे वीरो सामने स्टेज तो कहते जिन्हों का साउंड भी आ गया, मजीशन भी पहुंच चुके हैं। मालवे की धरती जिले बरनाले का जंगियाणा पिंड है जिस धरती ने भुपिंदर गिल ने जन्म लिया, साढ़े पिंड लागे ही, और वह नौजवान अज मिस जन्नत के नाल अपना सामने स्टेज तो प्रोग्राम पेश करेगा। आओ चिट्टियां कपाह दियां फुटियां वर्गी खेड़ी हुई धुप्प दे विच आपां दूजे सैमीफाइनल मैच का जिहड़ा आनंद माणांगे। 5:04 का जिहड़ा समा है वह मेरे वीरो हो चुका है और खेड मैदान दे विच तकड़ा मैच के होण लगा मैच जिहनूं साना वाला भेड़ कहिंदे, भावी अते जाफियां दा जिहनूं एड़ गेड़ कहिंदे, भावी अते जाफियां दा जिहनूं एड़ गेड़ कहिंदे। आ मैच कहिंदे सिरे दा मैच खेडा जाना है। पहले मैच दे विचों बाबा दशमेश कबड्डी क्लब नकोदर की टीम ने मेरे वीरो जित के फाइनल दे विच प्रवेश कर लिया और अज दे कबड्डी कप का पहला प्राइज 1.5 लाख और दूजा प्राइज 1 लाख वड्डे प्राइज ने। और मेरी बेनती साढ़े कोच साहब नूं भी आपां जल्दी दे नाल ही मैच जिहड़ा है वह शुरू करवा दईए। कश्मीर सिंह कली वाला मेरा वीर सेम सिंह के बेटे ते ज्ञान सिंह सन ऑफ केर सिंह, कश्मीर सिंह सरदार सेम सिंह जी सीमेंट के बेटे, उन्होंने बेनती अपना आके प्राइज ले जाना। सोन रोगी नो नॉर्थ इंडिया कबड्डी फेडरेशन वालों कि वो भी आके अपना प्राइज ले लेवे। नॉर्थ इंडिया कबड्डी फेडरेशन वालों विशेष तौर पर मान सम्मान जिहड़ा किया जा रहा है, रुड़की का सोन स्टील मैन के तौर पर जाने जाता खेड कबड्डी का महान कबड्डी खिडारी सरदार सुरजन सिंह जी चट्ठा साहब, बलबीर बिट्टू जी, साढ़े दविंदर सिंह जी कोच साहब, कुलवीर सिंह जी भीरा, बिजली नंगल बिंदू फराड़ा ते साढ़े अमृतपाल सिंह मान चमकीले आस्ट्रेलिया वाले दे जीजा जी, वह भी साढ़े दरम्यान अचेचे तौर पर पुजे हुए हैं। असं उन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस वे रुड़की के सोन का विशेष तौर पर जरा मान सम्मान फैडरेशन नॉर्थ इंडिया कबड्डी फैडरेशन वालों किया गया। चौधरी सुखजीत सिंह जी कनेडा वाले, उन्होंने भी बेनती है भी अपना के प्राइज ले लेना। तो नरेंद्र सिंह जी नंबरदार जल्दी दे नाल बीरू दारापुर, उन्होंने बेनती है भी आके अपना प्राइज ले लेना। नरेंद्र सिंह, हरजिंदर सिंह जी मल्ली, उन्होंने बेनती है भी आके अपना प्राइज ले लेना। हरजिंदर सिंह जी मल्ली साहब कली वाला मेरा वीर जल्दी दे नाल ग्राउंड दे विच कली जरूर पा दे दे। ज्ञान कली पाउ पै भीरे, ज्ञान जी ज्ञान जिथे मेरा वीर आवाज सुनदा होवे वो पहुंचे। जल्दी दे नाल ही आपां जिहड़ा मैच है शुरू करवा दईए। इधर सुरेंद्र सिंह जी ढंडा
भी इंग्लैंड तो कहते चेचे तौर पर बबलू बलवंत सिंह बबलू उन्होंने बेनती है भी वह भी आपको अपना प्राइज लैन बलवंत सिंह बलवंत सिंह दे वीर जी जो होर उन्हों का कोई रिश्तेदार परिवारक मैंबर होगी उन्होंने बेनती है भी आके अपना प्राइज ले लेना बलवंत सिंह बबलू दे उन्हों का परिवारक मैंबर होर कोई भी हो हेलो असी वार वार बेनती करते हैं जब पिछली फरवरी ने महीने के मलेरकोटले के कप होया उ फेडरेशन ने एक फैसला किया कोई भी टीम का खिडारी जे मूव स्प्रे मंगूगा तो उन्हें फाइन किया जाऊगा खानवालिया साहब दो प्लेयर अज दो टीमों तो बचा लिया पर बेनती एक बार फिर कर देने भी इतों बाद जे कोई मूव स्प्रे मंगू तो उन्हें जुर्माना किया जाना मूव स्प्रे सारिया टीमों के खिडारी आपो अपनी लेके आया करो ये बड़ी मेहरबानी होगी हरजिंदर सिंह जी मल्ली साहब हरजिंदर सिंह मल्ली उन्होंने बेनती है भी वो स्टेज पर पहुंचना जल्दी से जल्दी हरजिंदर सिंह जी मल्ली साहब एक पासे टीम नानक सर कबड्डी क्लब गुरदासपुर की बाहु औलख की कहते तैयार की हुई टीम है दुनिया के महान कबड्डी खिडारी जेडे माझे के नौजवान ने इस टीम के लिए खेलते हैं और दूजे पासे टीम बाबा सुखचैन दास कबड्डी क्लब शाहकोट की टीम मेरे वीर मनजीत सिंह जी रोबी गढ़दीवाला तो साढ़े विचकार पहुंचे ने इतने पहुंचने उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद जी एना जो मनजीत सिंह जी रोबी और दूजे पासे बाबा सुखचैन दास कबड्डी क्लब शाहकोट की टीम है वैनकूवर कबड्डी क्लब के बलजीत सिंह गिल याद बनी हुई है टीम आस्ट्रिया वाला चमकीला बराले तो इतने पहुंचे ने सरदार जगताप जी एन पहुंचे लो खेड मैदान मेरे वीरों मुकाबला जोड़ा है शुरू हो जा रहा है आ नौजवान जोड़ा हूं इस वे कबड्डी पाने की तैयारी कर रहे मेरे पंजाबी वीरों नौजवान का कहते घस पिंड योधा नाम है तो फलौर के कबड्डी कप का भी यह नौजवान मेरे वीरों मोटरसाइकिल का जेतू रहा शरीर वेखिए तो भुख लथ की टैटू भी सोहना बनाया हुआ है नौजवान सांवले के रंग बिल्कुल तैयार वर तैयार दूसरे सैमीफाइनल की पहली कबड्डी कहते नानक सर कबड्डी क्लब गुरदासपुर की टीम वालों पाने के लिए वध्या हुआ है जिहड़े भुपिंदर गिल दे साउंड वाले वीर है उन्होंने बेनती है जी इतों बाद तुहाडे कोल टाइम ही टाइम है जिन्ना मर्जी सैट कर लियो पर ग्राउंड दे विच कहिंदे कबड्डी दी कमेंट्री ओ बहुत जरूरी लो पहली कबड्डी ते कहिंदे रिशपाल तलवंडी सलेम दी धरती दा ला तकड़ा जत्था अपनी टीम दे लई पॉइंट जोड़ पाऊ के नहीं लो मुकाबला सख्त पहली कबड्डी ते जत्था ला गया ते दर्शक वीर ताड़ी जरूर मारनगे मेरे पंजाबी जीरो लो लग्या पिया जोर एक पासे रिशपाल तलवंडी सलेम दी धरती दा ला तकड़ा जत्था अपनी टीम दे लई एक लखां जे पॉइंट दा वादा करदा होया पॉइंट बाबा सुखचैन दास कबड्डी क्लब शाहकोट की टीम के हिस्से जा जुड़िया अगली रेड कहते सुचा धरनी वाली है उधर टाइगर सांदरा पिंड का नौजवान इस वे पूरी कोशिश करता हुआ बाहो सांदरा वाले है तो पॉइंट मेरे वीर इस वे धरनी वाली है सुचा अपनी टीम के हिस्से जोड़ता हुआ पॉइंट धावी के हिस्से जा जुड़िया जब 2012 के आ नौजवान ब्रैम्पटन की खेड क्लब वालों कनेडा के खेड मैदान खेडिया बीसी दिया अलबर्टा दिया कहते खेड क्लबों के बड़े फोन है भी साड़ी क्लब वालों खेड यह महावीर अठवाल पिंड का मेरे वीर जिले गुरदासपुर का नौजवान इस वे कबड्डी पाने के लिए वध्या हुआ है दूजे पासे सलाम दीन सलामू है शाम चौरासी पिंड फौजी का वीर है एक जोर नाल जफा ला पाऊ के नहीं पर महावीर अठवाल अपनी टीम के लिए एक लखां जे पॉइंट का वादा करता हुआ है पॉइंट नानक सर कबड्डी क्लब गुरदासपुर की टीम के हिस्से जा जुड़िया है वो जो तीर निशान दो खुंज जे वो कादा है हथियार उदी चित हमेशा दोस्तों जेड़ा पहला कर जे बार लो किंदे चौड़े मदरे वाले तो कहंदे पॉइंट लैके रवि आलोवाल ढेरियां दा अपनी टीम दे लई एक लखां जे पॉइंट दा वादा करदा होया पॉइंट शाहकोट दी टीम दे हिस्से जा जुड़िया अगली रेड कहंदे हरीपुरा पिंड है मेरे वीरो
गोल्डी नाम है इस वे गुरदासपुरी नौजवान जिमें पहले मैच गुरदासपुरी लाट ने बहुत सोहनिया कबड्डिया पाई है नकोदर की टीम के लिए पर आ भी कहते गुरदासपुर की धरती का इस वे गोल्डी उच्चे लंबे कद वाला मेरे वीरे कबड्डी पा के पॉइंट लेके वापस जाता हुआ है अपनी टीम के लिए जलालपुरी बिट्टू अगली रेड पाउण के लिए खेड मैदान वाधा हो मेरे वीरे जलालपुर पिंड कहते लोहिया के लागे है पर आ खिडारी कहते पाले का सीनियर खिडारी मेरे वीरे इसलिए खेड मैदान कबड्डी पा रहा है 2008 तो बाद अज 2015 कहते बिट्टू डफर की धरती से मिले है लो वेखो खेड मैदान एक पासे बंटी दूजे पासे बिट्टू जलालपुर का दोनों खिडारियों का लग्या पै जोर बिल्कुल हंडा के लागे मेरे पंजाबी वीरो कैमरे फोक्स ने पॉइंट धावी का पॉइंट इसलिए बिट्टू जलालपुरी ने अपनी टीम के लिए जोड़ दिता है तगड़े मैच ने तगड़े मैच जो खेड मैदान खेडे जा रहे हैं श्री गुरु हरगोबिंद साहब स्पोर्ट्स क्लब डफर इतों के एन आर आई लख लख बार मुबारकबाद है जिन्होंने बहुत वे उद्यम सदका अज मेरे वीर सिरे के खिडारी नॉर्थ इंडिया कबड्डी फेडरेशन खेड रहे हैं लो वेखो खेड मैदान चौड़े मधरे पिंड का यह नौजवान मल पर दूजे पासे कहते कबड्डी के चॉकलेटी बॉय का खिताब मिलया होया यह याद विंदर सिंह याद कोटली गाजर वाला लो एक बार जोरदार ताड़ी मार दिए इस नौजवान एक मिनट जी हेलो प्लीज मेरी बेनती है साउंड वाले वीर नो जाते असी चट्ठा साहब कहते मैच बंद कर लें जी अपना साउंड बंद कर लो बाद कर लियो जी बाद टाइम ही टाइम है बड़ी मेहरबानी होगी क्योंकि जिदे भी कोई खाड़ा लगना होंगे कमेंट्री का जरा स्वाद है लोगों नहीं आता साउंड वाले आके अपनी हैलो हैलो कर लग जाते हैं पर तुहाडा भी जरूरी है वीर जी तुहानू 10 मिनट दे देंगे बड़ी मेहरबानी होगी भुपिंदर गिल साडा भरा कोई गल नहीं 10 मिनट इतने रुक जूगा ला वेखो खेड मैदान मेरे वीर एक पासे कहते शाम चौरासी वाला फौजी है दूजे पासे किंदा मेरे वीर कबड्डी पा के पॉइंट लेके वापस जाता हुआ है क्योंकि नॉर्थ इंडिया कबड्डी फेडरेशन की जे गल करिए रूल एंड रेगुलेशन मेरे वीर सब तो पहला ने कोई बड़ा स्टार है चाहे कोई छोटा प्लेयर है पर रूल एंड रेगुलेशन जेडे हर एक लागू होणगे लो वेखो खेड मैदान मेरे वीर यह है योधा घस पिंड का गुरदासपुरी यह भी कहते इस साल कनेडा दे विच पहली बार खेडू मेरे वीर पर दूजे पासे कहते यादविंदर याद यह है कोटली गाजरा पिंड का वाह नौजवान है वाह गभरू है इसलिए पॉइंट अपनी टीम के हिस्से जोड़ता हुआ है गुरदासपुरी योधा घस पिंड का मेरे वीर चल भी सुचा पा भी गभरू आ कबड्डी सुचा कहते एक सूरमा होया है जिरा मालवे की धरती भीखी के लागे समाओ पिंड है एक सुचा पिथो वाला कबड्डी का एक सुचा तुहाडे सामने मेरे वीर इस वे पा रहा कबड्डी पहला टच कहते किंदे नू होया चौड़े मधरे वाले नू पर दो नंबर तो कहते टाइगर ने कोशिश की इस करके कुलवीर सिंह जी भीरा बिजली नंगल वाले फैसला कर रहे हैं भी पॉइंट सुचे धर्मी वाली ने अपनी टीम के लिए जोड़ दिता है महावीर अठवार पिंड का अगली रेड पाउण के लिए खेड मैदान नौजवान अठवाल पिंड का मेरे वीर महावीर सुखवीर चौहान जी का बहुत बहुत धन्यवाद है जेडे पंजाब के नहीं दुनिया के प्रसिद्ध मेरे वीर कॉमेंटेटर ने ते प्रसिद्ध जेडे शायर ने फेसबुक से कहते चौहान यार दे नाल दे नाल ही जी प्रसिद्धि मिली हुई है लो वेखो एक पासे महावीर अठवाल पर दूजे पासे कहते सलाम दीन सलामो कहते शेरे पंजाब कबड्डी क्लब बेलजियम दे साढ़े लक्की ने कहते मेरे वीरो फरवाही फरवाही वाले सर्वे उन्होंने बुलेट मोटरसाइकिल दे नाल मान सम्मान किया है उधर साढ़े शेरे पंजाब कबड्डी क्लब के प्रधान प्रताप सिंह जी चीमा साहब बैठे है इधर हांसलो कहते आजाद कबड्डी क्लब हांसलो वाले सुरेंद्र ढंडा जी पुजे हुए हैं पर रवि आलोवाल ढेरिया का आनंदपुर साहब की कहते चैंपियनशिप का आनंदपुर साहब के कबड्डी कप का यह बेस्ट रेडर है बुलेट का जेतू है झंडी गड्डी नौजवान ने मेरे वीर लो वेखो अगली रेड आप खेड मैदान हरिपुरे वाला एक गोल्डी ते दूजे पासे कहते सलामू बाहो सलामू नहीं वह रिसा नौजवान है जिन्हू सलामू का जफा वधिया लगे एक बारी ताड़ी जरूर मार के दसणगे लो खेड मैदान आप देखिए यह है सलामू सलाम दीन सलामू गुजर परिवार का मेरे वीर करमदीन फौजी का वीर ला तकड़ा जफा अपनी टीम के लिए एक लखा जे पॉइंट का वादा करता होया उधर साढ़े प्रभ लंबरदार जी
ਆਸਟਰੀਆ ਵਾਲੇ ਚਮਕੀਲੇ ਦੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦਾ ਬਿੱਟੂ ਇੱਕ ਦੁਗਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿੰਦਾ ਨੌਜਨ ਗਬਰੂ, ਕਿੰਦੇ ਦਾ ਚੌੜੇ ਮਧਰੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਆਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦਾ ਬਿੱਟੂ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਟਰ ਬ੍ਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਮੈਚ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਈਕ ਓਵਰ ਟੂ ਸਟੇਜ। ਚਾਹ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਾਈਨਲ ਚੌਹਾਨ ਸਵੀਟ ਹਾਊਸ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਲਾਮੋ ਜੱਫੇ ਲਾਊ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਬੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੌਜੀ ਪਾ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਊ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ 500 ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੱਲ ਚੌੜੇ ਮਧਰੇ ਵਾਲਾ ਐਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਭਰਮਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਜਹੈਲ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕੜਾ ਖੇਡਿਆ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਹੋਈ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਯੰਗ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਵੱਡੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕੱਪ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਕੱਪ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇਸ ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਨੇ ਕੱਪ ਕਰਵਾਇਆ। ਲਓ ਵੇਖੋ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਮ 84 ਵਾਲਾ ਟੇਕਾ ਹੋਇਆ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ, ਹੁਣ ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਟੀ ਇੱਕ ਕੰਨੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਟਾਈਗਰ ਸਾਂਧਰਾ ਪਿੰਡ ਦਾ 11 ਨੰਬਰ ਦੀ ਨਿੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲਓ ਮੁਕਾਬਲਾ ਟਾਈਗਰ ਸਾਂਧਰਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਮ 84 ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸੁਖਚੈਨ ਦਾਸ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਲਈ ਮੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਨੌਜਵਾਨ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਮ 84 ਵਾਲਾ। ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਰੈਸਟ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਮੈਚ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਓ ਯੋਧਾ ਘੱਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਫਲੌਰ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਜੇਤੂ, ਹੁਣ ਚਾਰਾਂ ਜਾਫੀਆਂ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਧਾਵਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਡਣਾ ਕਾਲੇ ਸੰਘੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੋਧਾ ਘੱਸਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਘੱਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਕਾਲੇ ਸੰਘੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਡਣਾ ਹੈ, ਜੱਫਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਿਆ ਪਰ ਘੱਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਯੋਧਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ 1 ਲੱਖਾਂ ਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੈ ਡੱਫਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਰੀਕਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਈਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ 1-2 ਮਾਰਚ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ 18 ਜਿਹੜਾ 1-2 ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਮਾਰਚ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ 18 ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਥੋੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਮੀਂਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਅਖਾੜਾ ਸੁਣਿਆ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਅਖਾੜੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਪਿੰਡ ਡੱਫਰ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ NRI ਦੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਰੌਣਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਵੀ ਆਲੋਵਾਲ ਢੇਰੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਾਈਗਰ ਰਵੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਵ ਵਰਲਡ ਕਬੱਡੀ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਾ ਦੇਖਿਆ ਉਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ। ਵਿਰਦੀ DJ ਸਾਊਂਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮੰਨੀ ਪ੍ਰਮੰਨੀ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਅੱਜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਧਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਵੀ ਤਿਆਰ, ਪਰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਫਾ ਸਲਾਮੂ ਦਾ, ਬਾਹੋ ਸਲਾਮੂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੀਸਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇਰੀਆਂ
यूरोप दे विच भी तगड़ा खेड़ा है, पर इस साल कहिंदे चोण होगी वैनकूवर कबड्डी क्लब दे लई। कनेडा दे खेड मैदानां दे विच मनोजन सलामू जफे लावेगा, पर अगली रेड जलालपुर दा बिट्टू मेरे वीरो लोहियां दा एरिया है, जलालपुर पिंड है, जिस पिंड दे विच कहिंदे पाले ने जन्म लिया है, ते कबड्डी दे विच दो ट्रैक्टर जिते, एक कहिंदे प्रीत ट्रैक्टर वर्ल्ड कप दे विचों, एक ट्रैक्टर कहिंदे 911 रूमी पिंड दे विचों जित्या है, पर खेड मैदान दे विच बंटी नौजन गबरू चौड़े मगरे पिंड दा हुण जफा ला पाऊ के नहीं। दूजे पासे मेरे वीरो लग गया जफा, ते पॉइंट जाफी दे हिस्से जा जुड़िया है, पॉइंट बंटी चौड़े मगरे वाले ने अपनी टीम दे लई जोड़ दित्ता है। 28 तरीक चक साबू दे कबड्डी कप दी होनी है, शहीद भगत सिंह कबड्डी क्लब चक साबू वालों आप सब नूं सद्दा है, नेड़े अपरा मंडी जिथे नॉर्थ इंडिया कबड्डी फेडरेशन दीआं 8 टीमां जिहड़ियां खेडणगीआं, ते 23 मार्च नूं मालवे दी धरती जिले लुधियाणे दा बद्दोवाल पिंड है, जिथे कहिंदे बेस्ट रेटर ते जाफी नूं नवें सोना लीका ट्रैक्टर दिते जाणगे। 23 मार्च मेरे वीरो मालवे की धरती बद्दोवाल पिंड दे विच बेस्ट रेडर ते जाफी नूं नवें सोना लीका होणगे। पिंड पद्धर दे विच 3 खिडारी जिहड़े बाहरों खेडणगे। अज कहिंदे कबड्डी दे विच वड्डे प्राइज ने, कोई समां सी तौलिए गलासां वाली कबड्डी, लखां दे प्राइज है, करोड़ां दे प्राइज है, किसे नूं गड्डी किसे नूं मोटरसाइकिल कोई ट्रैक्टर जिद्दा है। यह मेरे वीरो कबड्डी की वड्डी तरक्की है, पर जिद्दां दे रूल मेरे वीरो इस फैडरेशन दे विच है, जे सारियां फैडरेशन जे सारियां संस्थावां सारियां क्लबां मेरे वीरो ये नॉर्थ इंडिया कबड्डी फैडरेशन दे रूल अपनाउण ते गल है जिहड़ी वक्री होवे। लो वेखो नौजवान गभरू इस वेले सत्ता भाव सत्य है, इस वेले सत्ता कबड्डी पा के पौड़ लैके वापस जांदा होया अपनी टीम दे लई। उपरला माइक है जी, प्लीज उहदी स्विच ऑफ कर लिओ, क्योंकि ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਮਾਈਕ ਦੇ ਜਰੀਏ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਸੁੱਚਾ ਭਾਵ ਸੁੱਚਿਆ ਭਾਵ ਕਬੱਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਥੋੜਾ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਚੌੜੇ ਮਧਰੇ ਵਾਲਾ ਕਿੰਦਾ ਜੱਫਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸੁੱਚਾ ਧਰਮੀ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ, ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾ ਜੁੜਿਆ। ਮਹਾਵੀਰ ਅਠਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। कबड्डी 365.com आज दे कबड्डी कप नूं पूरी दुनिया दे विच लाइव दिखा रही है, बखरा उपराला साडे वीरां दा बहुत बहुत धन्नवाद है, जिहड़े विदेशां दे विचों नहीं पुछ सकदे पर उहनां मैचां दा आनंद कहिंदे वैबसाइट दे जरिए कबड्डी 365.com दे जरिए माणदे है, इहनां दा वी धन्नवाद है। कोई समां सी VCR दीआं कैसटां बणदीआं सन, ते दो दो तीन तीन महीनों तक कहिंदे विदेशां दे विच पहुंचदीआं सन, वलायतां दे विच पहुंचदीआं सन, जदों जिथे भी NRI वसदे सन। सोहन सिंह रुड़की कबड्डी खिडारी सोहन सिंह रुड़की उहनां नूं साडे क्लब नूं सन्मानित किया जा रहा है, सोहन सिंह रुड़की जी नूं उधर रुड़की दे सोहन दा सन्मान। पर अज कहिंदे समां बदल चुक्या मेरे वीरो, अज कबड्डी 365.com दे जरिए डफर पिंड दे विच रेड पै रही है, हर एक 5 सैकंड दे बाद आपां कबड्डी 365.com खोल के दुनिया दे किसी भी कोने दे विच बैठ के इस खेड कबड्डी दा आनंद माण सकदे हैं। ये धन्नवाद आ साडे लक्की सिद्धू उहनां दा, जिंदर होणी साडे वीर हरजिंदर सिंह मल्ली, उहनां नूं बेनती है वी पहुंचणे इत्थे जरूर, साडे वीर चेते तौर ते पुजे होए, पर खेड मैदान दे विच आपां वेखीए। ये आ नौजवान सलामदीन सलामू ला तकड़ा जफा, शाम 84 वाला मेरे वीरो अपनी टीम दे लई इक होर पॉइंट दा वादा करदा होया। चल भी बिट्टू पा भी नौजवान कबड्डी, उधर कहिंदे जसपाल वांगरां वाले बिट्टू दीआं पाईआं होईआं कबड्डियां, जिवें चौहान साहब ने पहलां दस्सिआ है, अज भी इकल्ले हरियाणे दे विच नहीं दुनिया दे विच लोकां नूं याद है। उह समां होर सी जदों कहिंदे नवें पिंडिया भिंदर सहेड़ी दा भीमा मलकीत अंग्रेज वर्गे खिडारी, कहिंदे बिट्टू जसपाल वांगर वर्गे खिडारी ग्राउंड दे विच आउंदे सन, ते ग्राउंड मेरे वीरो भरिया भरिया लगदा सी, पर अज विरले खिडारी रह गए उहो जिहे शरीरां वाले। लो खेड मैदान दे विच कबड्डी दे विच बहुत चेंज आ गई है, चलदे होए मैच दा हाफ टाइम, हाफ टाइम जिहड़ा हो चुका है, हाफ टाइम तक दे की स्कोर ने इह तुहाडे नाल सांझे करांगे।
नानक सर कबड्डी क्लब गुरदासपुर की टीम के पॉइंट ने 10, शाहकोट बाबा सुखचैन दास कबड्डी क्लब के पॉइंट ने 20.5, 10.5 अंकों का जिहड़ा फर्क है खेड मैदान दे विच चलदे हुए मैच का। मेरी बेनती प्रबंधकों नूं वी जिहड़ा मैच खेडा जाना जी, इहदों बाद पिंड पद्धर का खेडा जाना, एक मैच मेरा ख्याल है, पर प्लीज वह टीमों नूं तुसीं अनाउंस कर दिओ, आपां टीमों नूं ग्राउंड दे विच बुला लईए, क्योंकि 15 मिनटां तों बाद इस मैच के खत्म होंदे सार ही 15 मिनट का समा मैच नूं दित्ता जाना है, तो फिर ही अज दे कबड्डी कप का फाइनल मैच खेडा जाएगा। दूजे हाफ की पहली कबड्डी मेरे वीरों, यह है फौजी शाम 84 वाला नौजवान, मैच है नहीं चट्ठा साहब, 15 मिनट की जी रेस्ट दी जाऊगी, पर खेड मैदान फौजी मेरे वीरों के पिंडे लिशकण मुंडिया के जवानी उड जो कर दी, जाफ जिमें चपटहा चीते की रेड वांग हिरन उडारी भर दी, फैसले हुंदे लखां दे लखां नाल ट्रैक्टर मिलदे, रशीन वाले काले होए हुंदे रमान पूरे सब दिल दे, रशीन वाले काले होए हुंदे रमान पूरे सब दिल दे, कोई किदां लिखदा है, पर सोनू फत्तोवाल दा वी कहिंदे ते नाल हैप्पी कड़ियाणे वाला इस इलाके दे कहिंदे प्रसिद्ध जिहड़े कबड्डी दे राइटर ने जिहड़े हर रोज मेरे वीरो अपने कीमती समय दे विचों समां कढ़ के कबड्डी दे लई लिखदे है, इन्हां वीरां दा वी बहुत बहुत धन्नवाद। हैप्पी कड़ियाणा साडा वीर आबू धाबी दे विच जा वसिया है, और सोनू कहिंदे अजकल पंजाब दी धरती ते है, इन्हां वीरां दा बहुत बहुत धन्नवाद। लो सुचा धर्मी वाली है, इसलिए कबड्डी पाउण दे लई खेड मैदान दे विच वधिया होया है, चार चारां दे विचों एक सिख सरदार गबरू जफा नहीं ला सकिया, दविंदर सिंह जी को साहब मेरे वीरो चमकौर साहब की धरती है, जिस धरती का इतिहास बहुत बड़ा है, साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के बड़े पुत्रा ने मेरे वीरों शहीदी पाई है चमकौर साहब की धरती से, वो धरती गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की चरणा की शुभ प्राप्त धरती है, कि ना कोई उन्हां वर्गा होया है, ना कोई उन्हां वर्गा होना है, जुगा जुगा तक रहणगियां यादा उस दरवेश दियां, कौन करूगा रीसा कलगीधर दशमेश दियां, कौन करूगा रीसा कलगीधर दशमेश दियां, कलगीधर दियां रीसा कोई नहीं कर सकता, पर खेड मैदान दे विच कहिंदे सोखा बिल्ली भुल्लर पिंड दा बिल्कुल नकोदर दे लागे, नकोदर शहर महान कुड़े दुआबे दी शान कुड़े, दुआबे दी शान नकोदरिया। सुखवीर चौहान जी कबड्डी दे प्रसिद्ध कमेंटेटर, कबड्डी के प्रसिद्ध शायर, जिन्हां नूं श्री गुरु हरगोबिंद साहिब स्पोर्ट्स क्लब वालों पिंड डफर वालों अज विशेष तौर पर मान सम्मान किया जा रहा है। चट्ठा साहब नूं बेनती है भी वह भी इस सन्मान दे विच शामिल होणगे। सुखवीर सिंह चौहान नूं अज सोने की मुंदरी दे नाल जिहड़े मान सम्मान है वह पिंड डफर वालों ते इत्थों दी श्री गुरु हरगोबिंद साहिब स्पोर्ट्स क्लब वालों दित्ते जा रहे हैं। दीप सिंह जौल ते बिंदु फराला इन्हां दोनों नूं सन्मानित किया जाएगा, वो इत्थे जरूर पहुंचण। तीर्थ सिंह जौल ते बिंदु फराला। इधर सुखवीर चौहान जी कबड्डी दे महान, कबड्डी दे महान मेरे वीरो कमेंटेटर, कबड्डी दे महान शायर, उन्हां नूं अज सोने की मुंदरी दे नाल जिहड़े सुखवीर चौहान जी की कमेंटरी नूं प्यार करदे लिखे शेरां नूं प्यार करदे इक वारी ताड़ी जरूर मार के दस्सिओ। लो वधिया ताड़ियां, बहुत बहुत धन्नवाद सुखवीर चौहान जी का। यह मान सम्मान एवें नहीं मिलते कि यारो वक्री बनाउणी पहचान जगते नहीं इन्नी सौखी खेड मित्रो, इन्नी इन्नी सौखी खेड मित्रो, यह मान सम्मान बड़े औखे मिलते हैं। सुखवीर चौहान उन्होंने असी कठिया ने 2011 दे विच टोरंटो वैनकूवर के खेड मैदान मेरे वीरो कमेंटरी की है, साढ़े बड़े सीनियर ने सुखवीर चौहान, उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद।
और इथों की समुची मैनेजमेंट का श्री गुरु हरगोबिंद साहब स्पोर्ट्स क्लब डफर का सरदार सुरजन सिंह जी चट्ठा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने सम्मान के शामिल होकर बहुत बड़े माण बख्शे है। लो वेखो खेड मैदान नौजवान मेरे वीरों अगली रेड फौजी शाम 84 वाला जेड़ा डफर दे विच अगला कप होना पांचवा कबड्डी कप होगा। दर्शक विरोधियां तरीकां जिहड़ियां है वह ऐलान साडे वीरां ने कर दित्ती है भी फरवरी महीने के शनि एतवार को पहले हफ्ते के शनि एतवार को जिहड़े वह एक कबड्डी कप जिहड़ा करवाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद है। फरवरी महीना सॉरी दूजे हफ्ते का जिहड़ा शनि एतवार होगा फरवरी महीने का 2016 दे विच वह भी डेट आप कैलेंडर से देख के नॉर्थ इंडिया कबड्डी फेडरेशन लिखाई दईए क्योंकि यह जिहड़ा फेडरेशन का स्कैजुअल है वह बहुत बिजी है मेरे वीरो। कई टूरनामेंट प्रबंधक कमेटियां डेट ही नहीं मिल रही पर भागा वाले हो डफर वाले हो तुसीं तुहानूं दो डेटा जिहड़ियां मिल गईआं पहला 2 मार्च सी पर मीह कारण कैंसल पर अज फिर कहिंदे 18 जिहड़ी तरीक है मेरे वीरो दित्ती गई है सरदार सुरजन सिंह जी चट्ठा साहब वल्लों। हेलो भुपिंदर गिल जी ते मिस जसविंदर जीतू जी जिन्होंने अपना प्रोग्राम पेश करना है मेरे वीर वह भी साढ़े दरमियान पहुंच चुके हैं घरे है हजे इधर नहीं उन्होंने भी असं धन्यवाद करते हैं। लो वेखो खेड मैदान नौजवान उधर पंजाब सिलेक्ट साढ़े वीर जी बड़ा माण करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद है। एक पासे कहते महावीर है तो दूजे पासे मेरे वीर ये गभरू वह गभरू चोटी के राजा बाज ते तीर्थ दीपा हैड़ा बच जो नशे तोका का जिंदगी नाल शरीका ये खेड पंजाबियों की रखनी चाहते जे चमका के सिंह फस गए कुंडिया के मित्रा बह जा गोडी ला के सिंह फस गए कुंडिया के मित्रा बह जा गोडी ला के एन कहते सिरे दे मैच अज डफर पिंड खेडे गए ऐलान हो चुके ने भी 2016 की फरवरी महीने के कहते जेडे शनि एतवार हो गए दूजे हफ्ते के मेरे वीर उन्होंने दिनों जिहड़ा एक कबड्डी कप फिर पंजवें साल के करवाया जाएगा श्री गुरु हरगोबिंद साहब स्पोर्ट्स क्लब पिंड डफर वालों आप सब अज तो ही सदे ने। लो दूजी वाटर ब्रेक जिहड़ी चलते हुए मैच की हो चुकी है www.365.com उन्होंने वीर बेनती है भी आके वो इत से लागे पहुंचना 365.com उन्होंने वीर बेनती है भी इतने पहुंचना स्टेज लागे। हाँ जी तेरह ते 14 जी फरवरी बनती है 2016 की जेकर आप शनि ऐप की गल करिए दूजे हफ्ते दे 2016 की 13 ते 14 ही है बलबीर बिट्टू जी ओके क्योंकि मैं थोनू पहला दस्या है भी स्कैजुअल है जिहड़ा बड़ा बिजी है बिट्टू जी कहिंदे अगले साल दी जिहड़ी आ डेटा बिजी है पर आपां बाद विच जिद्दां भी होगा आपां सारिआं नाल बैठ के सलाह मशवरा करांगे क्योंकि सहोता साहब दे नाल चट्ठा साहब का बहुत प्यार है। आओ आप फिर इस ग्राउंड दे नाल जुड़िए वर्तमान की गल करिए नौजवान सत्ता मेरे वीरो कबड्डी पाउण दे लई खेड मैदान दे विच वध्या होया है हुण चार जाफी कहिंदे शाहकोट लाइन की टीम दे हुण चारां दे विचों कौण मेरे वीर इस नौजवान नूं डकेगा यह है मनजिंदर सिंह उडना काले संघां दी धरती दा जिथों दा ताजा प्रसिद्ध है और उसे पिंड दे कहिंदे दुनिया दे महान कबड्डी खिडारियां दी समय समय से गल हुई है बाबा कानदास जी की धरती है मेरे वीर बाबा कानदास कबड्डी क्लब के लिए तोची उन्हों का बहुत बड़ा योगदान है क्यों कहते बाज उन्होंने कहते कागो दीने उन्होंने बड़ी टीम बनाई 2011 के पर खेड मैदान नौजवान बिट्टू जलालपुर पिंड का जलालपुर पिंड एक साढ़े पिंड की गल जलाल दी पंजाब पुलिस के जवानों का बहुत बहुत धन्यवाद है। लो खेड मैदान मेरे वीरों
एक पासे किंदा चौड़े मधे वाला सिख सरदार गबरू हुण जफा ला पाऊ के नहीं, यह समय की गल है कि लैके कलगी धर तो थापड़ा दिता चरनी सी सुनवा बंदा सिंह बहादुर बन गया। सैमीफाइनल वाली जिहड़ियां टीमां सी पार्टीसिपेट प्राइज अपना ले जाणा के सैमीफाइनल वाली टीम। हाँ जी लो खेड मैदान दे विच आपां फिर वेखीए मेरे वीरो, एक पासे नौजन सोखा है बिल्ली भुलरां वाला ते दूजे पासे नौजन मेरे वीरे इसलिए जगरूप सिंह मेरे वीरे इसलिए मेरा ख्याल है भी डकिया गया लग गया जफा यार उता भी गया डकिया चढ़ गया नशा जी ने सारा कुछ टकिया है। पॉइंट सोखे ने अपनी टीम दे लई जोड़ दिता है, पॉइंट जाफी दे हिस्से जा जुड़िया। उधर भुपिंदर गिल ते मैडम जसविंदर जीतू जी उन्होंने भी कहते अपना प्रोग्राम पेश करना है, वह भी साढ़े वीर रोपड़ तो पहुंच चुके हैं, उन्होंने भी धन्यवाद है। लो वेखो खेड मैदान शाम चौरासी वाला फौजी, एक पासे फौजी शाम चौरासी है पर दूजे पासे आप वेखिए जाफी की कोशिश पर धक के नौजवान ने अपने पाड़े दे विच वार दिता है। यह है गभरू के जोर जवानी का भी शामे मुड़का आवे। पॉइंट फौजी शाम चौरासी वाले ने अपनी टीम दे लई जोड़ दिता है। चल भी महावीर पा भी नौजवाना कबड्डी, महावीर अठवाल पिंड का मेरे वीर जिले गुरदासपुर का सब्बे वर्गे खिडारी पप्पू वर्गे खिडारी जिस मेरे वीर जिले ने पैदा किए हैं वह इस जिले वह इस जिले का नौजवान गभरू इसलिए पाँदा होया कबड्डी। उधर कबड्डी ते कपूरथला चीजा कोई दो ना कदे मक्खन अली जी गल करते होंगे है। कपूरथले जिले का नौजवान गभरू उड़ना काले संघिया का पर अगली रेड सुचा धर्मी वाली आ। सुचे ने जब वर्ल्ड कप दे विच कबड्डियां पाईयां, जब वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग दे विच कबड्डियां पाईयां ते सुचे दीआं गल्लां कहिंदे घर घर होईआं क्योंकि बहुत वधिया खेड इस नौजवान ने दिखाई है पर सांदरा वाला टाइगर जफा नहीं ला सकिया गुरदासपुर की टीम दे लई। पॉइंट इसलिए रेडर का चलता होया मैच समाप्त, 20 मिनट का समा दिता गया है, 5:40 मिनट हो चुके। चट्ठा साहब कहते भी ठीक 6 बजे टीम फाइनल वाली ग्राउंड आनिया चाहिए है। एक पासे टीम होगी दशमेश कबड्डी क्लब नकोदर की पर आ मैच के कहते नानक सर कबड्डी क्लब गुरदासपुर के पॉइंट ने 18 ते 31 पॉइंट ने बाबा 31.5 पॉइंट ने बाबा सुखचैन दास कबड्डी क्लब शाहकोट के बाबा सुखचैन दास कबड्डी क्लब शाहकोट ते दशमेश कबड्डी क्लब नकोदर का अज दे डफर के चौथे कबड्डी कप का फाइनल मैच खेडा जाएगा। तो माइक से साढ़े सुखवीर चौहान जी आएंगे फाइनल के लिए, इन्नी क हाजिरी कबूल करो, सारे का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। टीम ने बेनती है भी अपना पार्टीसिपेट प्राइज ले जाना। हेलो हाँ जी हुण साउंड वाले वीर नूं बेनती है जिहड़ा भुपिंदर गिल दा साउंड है हुण तुसीं सैट कर लो जी क्योंकि असीं थोड़े काम च नहीं डिक्का लाउंदे ते तुसीं साडे काम च ना लाओ, डिक्का नहीं बनना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद भुपिंदर गिल ते मिस जसविंदर जीतू जी जिन्हां ने अपना प्रोग्राम पेश करना। हेलो 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 सरदार सुरजन सिंह जी चिट्ठा साहब फेडरेशन के प्रधान, मैं बेनती करांगा कि स्टेज लगे आओ।
ਨਾਮ ਬੋਲਣੇ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਲਗੇ ਇੱਥੇ ਦਾ 51000 ਰੁਪਏ ਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਓ ਮੈਂ ਨਾ ਟੀਮਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈਲੋ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਕਲੱਬ ਨਕੋਦਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਖਚੈਨ ਦਾਸ ਕਲੱਬ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੋਨੇ ਟੀਮਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੇਲਾ ਖਿਲਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਬਾਬਾ ਸਖਚੈਨ ਦਾਸ ਕਲੱਬ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਕਲੱਬ ਨਕੋਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਫਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਭੇਜੀ ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ 1,50,000 ਰੁਪਇਆ ਹੈਪੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ 1,51,000 ਰੁਪਇਆ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਤਾ ਯੂ ਐਸ ਏ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਮਲਾਵਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ 51,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਯੂ ਐਸ ਏ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 41,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੂਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ 41,000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਿਆ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਰਮਦਾਸਪੁਰ 25,000 ਰੁਪਇਆ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਇਟਲੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵੱਲੋਂ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੰਤਾਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਸਰਦਾਰ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੂ ਐਸ ਏ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਧੀਰਾ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੱਕ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਸਟਰ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲੱਬ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੇਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਤਾ ਹੀਰਾਹਰ ਵਾਲੇ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਕਪੂਰ ਵਾਲਾ 9,000 ਰੁਪਇਆ ਵੀਰੂ ਦਾਰਾਪੁਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੱਫਰ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰ 5,000 ਰੁਪਇਆ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌਹਾਨ ਕਦਾਲਾ ਸ਼ੇਖਾਂ 5,000 ਰੁਪਇਆ ਬਾਲਾ ਕਲਾਰਾਂ ਵਾਲੇ 5,000 ਰੁਪਇਆ ਹਿੰਦਰ ਜਪਾਲਮਾ 5,000 ਰੁਪਇਆ 5,000 ਰੁਪਇਆ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਕਲਾਰਾਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਫ਼ਰ ਕਲੱਬ ਵਾਲੇ ਕਲੱਬ ਮੈਂਬਰ 5,100 ਰੁਪਇਆ 5,000 ਰੁਪਇਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਤਾ ਹੀਰਾਹਰ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਤਾ ਕਲੱਬ ਮੈਂਬਰ 5,000 ਰੁਪਇਆ ਅਤੇ 5,100 ਰੁਪਇਆ ਕਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਫਰ ਸੀਟ ਸਟੋਰ ਵਾਲੇ 5,100 ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਸਟਰ ਡੱਫਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਕੇਰ ਸਿੰਘ 5,100 ਰੁਪਇਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 2,000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ 2,100 ਰੁਪਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ 1,100 ਕਿਸੇ ਨੇ 500 ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਭੇਜੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ 6 ਵਜੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਪਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਮਿਸ ਜਿੰਦਨ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅਖਾੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਵੀਰਿਓ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹਾਰੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲੈ ਜਾਣਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹਾਰੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲੈ ਜਾਣਾ ਫਾਈਨਲ ਵਾਲਾ ਮੈਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਬਸ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਨੇ